स्वायत्त एंड नेशनल की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड लेड फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा। The important event are enlisted as follows. First, Mr. Modi dedicated to the National Carrier Cancer Institute at Badsa in Jhajjar district. Second, Mr. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। शिलान्यास और उद्घाटन की गई महत्वपूर्ण घटनाओं को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है। पहली है श्री मोदी ने झज्जर जिले के भादसा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान को देश को समर्पित किया। द्वितीय, श्री मोदी ने फरीदाबाद में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का भी उद्घाटन किया। थर्ड, प्रधानमंत्री ने पंचकुला में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की आधारशिला भी रखी, जिसे माता मनसा देवी मंदिर परिसर में स्थापित किया जा रहा है। एंड लास्ट, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र की नींव भी श्री मोदी द्वारा रखी गई। यह हरियाणा में चिकित्सा पद्धति के साथ साथ भारत में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय होगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ मीडिया यूनिट्स वर्किंग अंडर INB मिनिस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट IC फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चेयर्ड बाई द कॉन्फ्रेंस। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत मीडिया इकाइयों का पहला वार्षिक सम्मेलन विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा कॉन्फ्रेंस किया गया। ने बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रासंगिक मानव अधिकारों के मुद्दों की एक विस्तृत रेंज का पता लगाने के उद्देश्य से नई दिल्ली में अपने प्रथम लवासिया मानवाधिकार सम्मेलन की मेजबानी की। सम्मेलन का विषय स्टेट पावर बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्पररी चैलेंज था। यह वकीलों और संबंधित पेशेवर सदस्यों को महत्वपूर्ण विषयों पर अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द क्रेडाई यूथ कॉन 2019 इन न्यू दिल्लीज ताल कटोरा स्टेडियम। द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स Association of India, CREDAI. The theme of this youth con is Next Generation. नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CREDAI यूथ कॉन 2019 को संबोधित किया। यह आयोजन रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया CREDAI द्वारा आयोजित किया जाता है। इस यूथ कॉन का विषय नेक्स्ट जनरेशन है। नेक्स्ट, द नीति आयोग एंड द माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन साइंड ए स्टेटमेंट
ऑफ इंटेंट एसओआई टू कोडिफाई डॉक्यूमेंट एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स इन पब्लिक स्कूल एजुकेशन थ्रू सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन दियर कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। नीति आयोग और माइकल एंड सुसान डेल फाउंडेशन ने विभिन्न राज्यों की सरकारों के साथ कार्य करने के अपने सामूहिक अनुभवों के आधार पर सिस्टम सुधारों के माध्यम से सार्वजनिक स्कूली शिक्षा में लर्निंग आउटकम्स में सुधार करने के लिए उच्चतम कार्य प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने दस्तावेज बनाने और साझा करने के लिए उद्देश्य से आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, द फिफ्थ इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस 2019 इज बीइंग हेल्ड इन भुवनेश्वर एज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड द वर्ल्ड बैंक अंडर एजीज ऑफ द ऑनगोइंग वर्ल्ड बैंक असिस्टेड डैम रिहैबिलिटेशंस एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट DRIP एज ए पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। भारत सरकार, ओडिशा सरकार और विश्व बैंक की संयुक्त पहल के साथ भुवनेश्वर में 5वें अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2019 का आयोजन संस्थागत वृद्धि के एक भाग के रूप में डैम पुनर्वास और सुधार परियोजना DRIP के तत्वाधान में किया जा रहा है। नेक्स्ट, जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज राहत कंक्लूडेड इन जयपुर राजस्थान। इट वाज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन जयपुर कोटा एंड अलवर इन राजस्थान। इंडियन आर्मी वाज रिप्रेजेंटेड बाय जयपुर बेस्ड सप्ता शक्ति कमांड। संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत एक्सरसाइज जयपुर राजस्थान में संपन्न, जिसे मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए सह संचालन के प्रयासों के साथ राजस्थान के जयपुर, कोटा और अलवर में प्रदर्शित किया गया तथा NDMA ने अभ्यास का संचालन किया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व जयपुर स्थित सप्त शक्ति कमान द्वारा किया गया। नेक्स्ट, द टू डे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन यूनानी मेडिसिन काउंसिल और रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन एज ए पार्ट ऑफ थर्ड यूनानी डे सेलिब्रेशन इन न्यू दिल्ली कंक्लूडेड विद द नोट दैट इंटीग्रेशन एंड सिनर्जी ऑफ ऑल मेडिकल सिस्टम इन द नीड ऑफ द ओवर टू एड्रेस द हेल्थ चैलेंज वी आर फेसिंग टुडे। दिल्ली में तीसरे यूनानी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन इस चर्चा के साथ संपन्न हुआ कि आज हम जिन स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्हें संबोधित करने के लिए सभी चिकित्सकीय प्रणालियों के एकीकरण और तालमेल की आवश्यकता है। आइए बात करते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हेल्ड More than 4,000 people from 140 countries participated in the event. दुबई, संयुक्त अरब अमीरात UAE में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र आयोजित किया गया। आयोजन में 140 देशों के 4,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। नेक्स्ट, अवार्ड्स पुरस्कार। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड विनर अंडर द मिनी रत्न कैटेगरी बाई मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्म विकास निगम को मिनी रत्न श्रेणी के तहत विजेता घोषित किया गया है। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज, स्पोर्ट्स न्यूज। प्रजनेश गुणेश्वरन हैज मेड इट टू द टॉप 100 ऑफ मैन सिंगल्स टेनिस रैंकिंग with a jump of 6 places that took him to 97. Prajnesh is the third Indian player to break into the top 100 barrier
इन द टॉप द पास्ट डिकेड आफ्टर सोमदेव देव वर्मन एंड यूकी भंपरी। प्रजनेश गुणेश्वरन ने 6 स्थान की बढ़ोतरी के साथ पुरुष एकल टेनिस रैंकिंग के टॉप 100 में जगह बना ली है, जिनसे वे 97 में पहुंच गए हैं। प्रजनेश सोमदेव देववर्मन और यूकी भंपरी के बाद पिछले एक दशक में टॉप 100 में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। सारे साथ ये थे आज के मुख्य समाचार, जो कि आपका करंट अफेयर्स है, सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें, हमारे वीडियोज को शेयर करें और साथ ही यूवी कंपटीशन चैनल को शेयर करें। यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।